अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 वर्कबुक है मेरे पास सारे अरकम की। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ चैप्टर नंबर 1 का सलूशन शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को इसका सलूशन चाहिए तो आप लोगों ने वीडियो को एंड तक क्लास में देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यूनिट 1 है द मैसेज ऑफ फॉरगिवनेस, माफी का पैगाम। तो इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वर्कबुक से इसका सलूशन। अगर आप लोगों को बुक से भी इसका सलूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसकी भी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसके बताने हैं, यहाँ पे वर्ड है जेंटल, तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे उन्होंने दी हुई है और सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट हमने कुछ खुद बनाने हैं, जैसे कि न्यूमरस की एडजेक्टिव है, फिर ये इसका मीनिंग होता है मैनी। दे आर न्यूमरस इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल, हमारे स्कूल में बहुत से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट है प्रीच, ये वर्ब है। डिलीवर और टीच सिखाना होता है, बेसिकली इसका मतलब ये तबलीग करना। ही वेंट टू इंग्लैंड टू प्रीच इस्लाम, वो इंग्लैंड इंग्लैंड गया शाम की तबलीग के लिए। नेक्स्ट है मिस ट्रीट, ट्रीट बैडली, किसी के साथ बुरा सलूक करना है। डू नॉट मिस ट्रीट अदर्स, हमें दूसरों के साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रूल्टी, जुल्म, हार्टलेस और इन ह्यूमैनिटी। आई डोंट लाइक एनिमल्स क्रूल्टी, मुझे जानवरों के जुल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में राइट करना है। जैसे कि ट्रीट है, काइंडनेस है, एक्ट है, एनिमल्स है, ट्रीट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में एक्ट पहले आ जाएगा, एनिमल्स, काइंडनेस, स्टेट और ट्रीट। इसी तरह से आप लोगों ने लिस्ट 2 भी राइट कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। दैट हार्शली, ही ट्रीटेड द बेगर्स हार्शली, उसने जो फकीरों के साथ सख्ती वाला रवैया किया या बुरा सलूक किया। नेक्स्ट है फॉरगिव, माई मदर फॉरगिव्स माई मिस्टेक्स, जो मेरी मदर है वो मेरी गलतियों को माफ़ कर देती है। नेक्स्ट है ट्रीट, पेशेंस इज वन ऑफ हिज बेस्ट ट्रेट, जो पेशेंस होता है या सब्र होता है एक बहुत अच्छी खूबी है उसकी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, आंसर द क्वेश्चन। वट डज एक्ट ऑफ काइंडनेस मीन्स, काइंडनेस जो एक्ट ऑफ काइंडनेस होता है या माफी करने वाला रवैया किस तरह का होता है। द एक्ट ऑफ काइंडनेस मीन्स डूइंग गुड डीड्स, इसका मतलब ये होता है कि अच्छे काम करना, फॉरगिविंग दूसरों को माफ़ कर देना, एंड हेल्पिंग अ पर्सन दूसरे इन टाइम ऑफ नीड, जब किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद करना किसी भी पर्सन की। वट एज एन एम्पैथेटिक ह्यूमन डू, जो एम्पैथेटिक ह्यूमन है वो क्या करता है, एक हमदर्द इंसान कैन शेयर द फीलिंग ऑफ अनदर पर्सन नीड, वो क्या करता है कि जब किसी को ज़रूरत हो तो उसकी फीलिंग्स को शेयर करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, वट लेसन डज दिस यूनिट ट्राई टू टीच अस, ये जो यूनिट है वो हमें क्या लेसन देना चाह रहा है। This unit tries to teach us, ये हमें ये लेसन दे रहा है, इससे हम ये सीख रहे हैं that we should be kind, कि हमें kind रहना चाहिए, and we forgiving to the people around us, और दूसरों को माफ कर देना चाहिए। We should also be kind to animals and things, हमें दूसरों जानवरों और चीज़ों के साथ भी रहमदिली वाला रवैया अख्तियार करना चाहिए। What was the impact of kindness of Hazrat Muhammad Sallam towards people, Hazrat Muhammad Sallam की जो kindness का क्या impact हुआ दूसरे लोगों पे। The impact of kindness of Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam towards people was that, उसका असर ये हुआ था कि they began to embrace Islam, उन्होंने Islam को बोल करना शुरू कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी वर्कबुक का सलूशन चाहिए तो आप, या किसी भी वर्कबुक पेज का सलूशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, तो उसका भी सलूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी चैनल पर शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।